नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल RPSC ओनली में। दोस्तों, एक सवाल जो काफ़ी समय से उठाया जा रहा था आप सभी लोगों के द्वारा कि सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम क्या आचार संहिता लगने के बाद आयोजित होगा या नहीं होगा, टाइम टू टाइम होगा या नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम को एक तो आचार संहिता वाला भी इश्यू था, कोड ऑफ कंडक्ट वाला। दूसरा जो इश्यू था वो ये था कि उस दिन तीन एग्ज़ाम है, एक बैंक PO का एग्ज़ाम है, SSC का भी कोई एग्ज़ाम है, तो इस कारण काफ़ी जो अभ्यर्थी हैं वो इसको लेकर संशय में थे। तो अब ये जो संशय हैं, जैसे पहले इसके एग्ज़ाम के आगे सरकने के चांसेस नहीं थे, क्योंकि आगे RPSC के पास जो शेड्यूल है वो काफ़ी ऑलरेडी टाइट है और ये एक बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा है, तो RPSC से आगे नहीं सरकाना चाहेगा। तो ये अब जो ये कन्फर्म भी हो गया है, आज RPSC ने जो 8 अक्टूबर को एक पत्र भेजा है केंद्र निर्धारण की सहमति पत्र के लिए, तो उसमें RPSC ने जो 28 जो पहले से डेट दे रखी है, 28 अक्टूबर से जो एग्ज़ाम है, 28 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर, उसके लिए जो सेंटर निर्धारण की सहमति पत्र बाबत जो पत्र भेजा है, जितने भी जो जहाँ भी ये परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी, तो इससे ये एक बात निश्चित हो चुकी है कि जो अब जो एग्ज़ाम है RPSC सेकेंड ग्रेड का, वो किसी भी सूरत में पोस्टपोन होने नहीं जा रहा है। तो आप इसको लेकर सोशल मीडिया पे या फिर YouTube वगैरह जहाँ भी किस तरह की अगर र्यूमर्स चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं, तो उससे कृपया दूर रहें और अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू जारी रखें। दूसरा, ये चीज़ एक चीज़ और कही जा रही है करंट अफेयर्स के लिए, तो करंट अफेयर्स का जो मैंने जितने भी सेकंड ग्रेड में आने लायक हैं वीडियो वो उपलब्ध करवा दिए हैं। अब जो नया करंट है वो सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में नहीं आएगा, तो आप वो पुराने वीडियो देखकर उनसे नोट्स बनाकर अपना काम चला सकते हैं। वैसे सेकंड ग्रेड में आप जो एशियाड का मैंने एक वीडियो डाला है वो ज़रूर देखिएगा, उसमें से जो राजस्थान स्पेशली करंट अफेयर्स आएगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं उसको लेकर SI में भी पूछा गया एग्ज़ाम में, अपूर्व चंदेला वाला जो क्वेश्चन आया था वो वहीं से था। इसके अलावा करंट के लिए अभी लेटेस्ट एक वीडियो बनाया है जो पिछले 2-3 महीनों का करंट कवर करता है, वो देख सकते हैं। और भी कई चैनल है यूट्यूब, जैसे कि RPSC GK विद अजय चौधरी सर का जो चैनल है, उसमें करंट अफेयर्स के 4 बेहतरीन वीडियो बनाए गए हैं, वो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे वीडियो हैं, तो वो भी आपका काफ़ी करंट कवर कर देगा। इसके अलावा जो RS की तैयारी कर रहे हैं वो जो करंट की डिमांड कर रहे हैं, तो उसके लिए करंट मैंने बनाना इसलिए बंद कर दिया कि एक तो आप लोग ज़्यादा देख नहीं रहे हैं, तो फिर बनाने का और मेहनत करने का ज़्यादा औचित्य नहीं रहा। मैं अपने नोट्स तैयार कर रहा हूँ लेकिन आप नहीं देखते हैं, तो अपने आप के हिसाब से है। दूसरा ये है कि उसके लिए भी कोई ऐसा है नहीं हार्ड एंड फास्ट, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। एक चैनल है RS जंक्शन करके, आप में से काफ़ी लोग ऑलरेडी उससे परिचित होंगे, तो वो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही बढ़िया चैनल है। दूसरा, RS वाले लोगों के लिए भी खुशखबरी है कि जो RS प्री का रिजल्ट है, सोर्सेज से जो जानकारी मिली है कि जो शुक्रवार है उस तक RS प्री का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो ये सभी जानकारियाँ थी। इसके अलावा जो पशुधन सहायक हैं उस भर्ती का भी जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है, तो आप में से अगर कोई वो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।